हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की तारीख है 18 जुलाई और आज के दिन को 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। कौन थे नेल्सन मंडेला? नेल्सन मंडेला राष्ट्र साउथ अफ्रीका के भूतपूर्व और प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे, जिन्होंने साउथ अफ्रीका में हो रहे रंग भेद के खिलाफ क्या किया था, उन्होंने एक आंदोलन चलाया था। उनका जन्म 18 जुलाई 1918 को हुआ था। उनके रंग भेद के खिलाफ कार्य करने को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2009 में इसकी घोषणा की और प्रथम बार 18 जुलाई 2010 से अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाने की घोषणा की है और तब से यह चले आ रहा है। तो इस विशेष दिवस पर आप सभी को बहुत बधाई हो, क्योंकि ये वे शख्स थे जिन्होंने साउथ अफ्रीका में एक नई क्रांति लाई थी, अश्वेत लोगों के लिए हक की लड़ाई लड़ी थी। क्योंकि साउथ अफ्रीका में गोरे और कालों के बीच बहुत भेदभाव हुआ करता था, उन भेदभाव को दूर करने का काम किया था कौन? नेल्सन मंडेला जी। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप तक अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। हम मिलेंगे फिर अगले वीडियो में एक नए दिवस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।